हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज से कुछ समय पहले मैंने एक मूवी का एक्सप्लेनेशन अपलोड किया था जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरा चैनल हैक होने के कारण और यूट्यूब के गाइडलाइन के कारण मुझे बहुत सारे वीडियोस हटाने पड़े। मेरे पास भी आज भी उन वीडियोस के कमेंट आते हैं, तो मैं उन्हीं मूवीज़ में से एक ऐसी मूवी सीरीज़ को लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है प्लेइंग विद डॉल्स और इस मूवी के टोटल 4 पार्ट हैं और मैं अपने 2 वीडियो के अंदर इन चारों पार्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इस मूवी का पहला और दूसरा पार्ट होगा और इसके अगले पार्ट आने वाले वीडियो में होंगे। दोस्तों, पहले भी इस वीडियो को लाखों व्यू गए थे और जिन्होंने इस मूवी को देखा है वो एक बार फिर इसे देखकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और जो लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर और एक गुंडे को एक जंगल में लड़ता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि पास में रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था। जंगल में कहीं और एक लड़की भी भाग रही थी और उसके पीछे एक मास्कमैन पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस और गुंडे की फाइट अभी भी चल रही थी और इधर ये लड़की इस मास्कमैन किलर से भाग रही थी। लड़की एक पेड़ के पीछे छुपती है, लेकिन मास्कमैन उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है। वो लड़की उससे जान की भीख मांग रही थी। अब वो मास्कमैन किलर उसे एक नज़र देखता है और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। पुलिस और उस आदमी को उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की को बचाने जाना चाहता था, लेकिन वो गुंडा कहता है कि उसका काम लोगों को जंगल से दूर रखना है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को मार डालता है। दूसरे गुंडे को गन की आवाज़ आती है और वो अपने बॉस, जिसे इस मूवी में वॉचर कहा गया है, उसे इन्फॉर्म कर देता है। इधर मास्कमैन किलर ने उस लड़की को पेड़ से बांध दिया था। फिर वो एक चाकू से लड़की के कपड़े काटता है और जब वो उसके चेस्ट को देखता है तो उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। अब ये किलर एक बॉक्स लेकर आता है और लड़की के ब्रेस्ट में चाकू मारकर उसके खून को कलेक्ट करता है। लड़की का मुंह बंदा होने के कारण वो चिल्ला नहीं पाती है। अब ये किलर उसके ब्रेस्ट को देखकर अपना मुंह छुपा लेता है, जैसे कि उसे इसे चिढ़ाती हो। फिर वो खून को बॉक्स में भरकर रख देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ कैमराज लगे हुए थे और वॉचर ये सब देख रहा था। वो किलर अब लड़की के पास एक रॉड लेकर आता है और उस रॉड को वो किलर लड़की के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वो लड़की की इंटेस्टाइन खींच लेता है। लड़की अभी भी जिंदा होती है और ये सब देखते हुए वो मारी जाती है, लेकिन वॉचर को इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अब अगले सीन में एक गुंडा उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वॉचर को इन्फॉर्म कर देता है। वॉचर अपने आदमियों को भी उस जंगल से दूर रहने को कहता है और उन लोगों को वो एक और लड़की लाने को कहता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सिंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इस मूवी की लीड कैरेक्टर थी। वो अपने रूम में अकेली बैठकर रो रही थी और तभी उसके घर का लैंडलॉर्ड आता है और वो उसे रेंट मांगता है। सिंडी के रूममेट उसका सारा सामान और पैसा लेकर भाग गई थी और सिंडी अपनी बच्ची कुच्ची सेविंग लैंडलॉर्ड को दे देती है। लैंडलॉर्ड सिंडी को अपना घर खाली करने को कहता है क्योंकि उसके पास में अब पैसे नहीं थे। तो सिंडी कहती है कि वो कहाँ पर जाएगी। वो उसके घर की साफ सफाई करने के लिए तैयार थी। सिंडी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और लैंडलॉर्ड को उसके पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे कुछ छोड़ चाहिए था। लेकिन सिंडी ऐसा नहीं करती है और लैंडलॉर्ड उसे कुछ दिन की मोहलत देकर चला जाता है। सिंडी अब परेशान थी और वो अपने ऑफिस जाती है, लेकिन उसे उसके ऑफिस से एक हफ्ते पहले ही निकाल दिया गया था क्योंकि सिंडी एक खूबसूरत लड़की थी और उसके बॉस की वाइफ को ऐसा लगता था कि उसके हस्बैंड और उसका कोई चक्कर चल रहा है। वो सिंडी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे भगा देती है। सिंडी बारिश में यहाँ वहाँ भाग रही थी। फिर वो निराश होकर अपने घर आती है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। जब वो डोर खोल के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर बस एक पार्सल पड़ा हुआ था। अब सिंडी के पास में एक कॉल आता है और फ़ोन पर एक लेडी उसे जॉब ऑफर करती है। सिंडी इस जॉब को झट से एक्सेप्ट कर लेती है और उसे तुरंत अपनी जॉब को ज्वाइन करना था। लेडी कहती है कि उसके पास जो पैकेट है उसमें एक कार की चाबी है और वो उसे एक एड्रेस भी बताती है और कहती है कि उसकी जॉब उसी एड्रेस पर है। सिंडी अपनी इस नई जॉब को लेकर बहुत ही खुश थी। तभी उसका लैंडलॉर्ड आता है और वो उसके सामने कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। सिंडी अब अपनी जॉब के लिए ऑन द वे थी, लेकिन लोकेशन एक दूर दराज की थी। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। फिर हम इस जंगल में उसी किलर को देखते हैं जो कि अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन सिंडी को नहीं पता था कि उसका अगला शिकार वही है। सिंडी को अब थोड़ा डर लग रहा था और उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। फिर वो जंगल में एक आदमी को देखकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी सिंडी को बड़ी बुरी नज़र से देख रहा था, जिससे कि सिंडी घबरा जाती है और अपने रास्ते निकल जाती है। वो लेडी के बताए एड्रेस तक पहुंचती है जहां पर एक टूटा फूटा केबिन था, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। सिंडी को कुछ अजीब महसूस हो रहा था और वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन उसकी गाड़ी में फ्यूल नहीं होता है तो कार में सो जाती है। फिर वहां पर एक कार आती है और हम देखते हैं कि वहां पर कैमरास लगे हुए थे जिसमें वॉचर सब कुछ देख रहा था। उस कार से एक लेडी उतरती है और सिंडी अपने कार की चाबी उस लेडी को दे देती है। फिर वो लेडी सिंडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल के बीचों बीच बने एक केबिन में ले जाती है। वो केबिन बड़ा आलीशान था और उस पूरे केबिन में कैमरा ही कैमरा लगे हुए थे।
उस केबिन में जरूरत का सारा सामान था। वो लेडी सिंडी को उसका पूरा घर दिखा देती है और इस घर में कभी भी नेटवर्क नहीं आता था। अब वो लेडी सिंडी को घर की चाबी देकर वहां से निकल जाती है। दरअसल सिंडी का काम था इस घर की देखरेख करना। फिर उस लेडी के जाते ही हम सिंडी के पीछे उसी किलर को देखते हैं, लेकिन सिंडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो आखिरकार सिंडी को यहाँ पर क्यों लाया गया है, कौन था वो किलर और चारों तरफ कैमरास क्यों लगे थे, ये सब जानने के लिए साथ में बने रहिएगा। सिंडी इस जॉब से बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि कुछ समय पहले ना उसके पास रहने के लिए कुछ था ना ही उसके पास में जॉब थी। इधर हम देखते हैं कि वॉचर एक बहुत ही अमीर आदमी है और ये पूरा जंगल और ये केबिन उसी का है। अब वो एक जार पर सिंडी का नाम चिपकाता है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जार थे जिनमें लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। इन जार में लड़कियों के बॉडी के पार्ट भी थे, यानी कि अब सिंडी का भी ठीक यही हाल होने वाला है। सिंडी केबिन में खूब सारा खाना खाती है और वहाँ पर रखे कपड़ों को भी ट्राई करती है, लेकिन कबर्ड के ऊपर किलर था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। ऊपर से सिंडी के ऊपर पूरे टाइम नजर रखी जा रही थी। सिंडी नेकेड होकर कपड़े बदल रही थी और वॉचर उसे हर समय देख रहा था। सिंडी अब फाइन लेकर नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन वहां पर पहले से ही किलर था जो कि चुपके से उस वाइन को ले जाता है। सिंडी अपने कपड़े उतारती है, लेकिन अब उसे वाइन नहीं मिल रही थी। वो देखती है कि वाइन बाहर पड़ी है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। किलर सिंडी को मारना चाहता था, लेकिन वॉचर उसे ऑर्डर देता है कि वो सिंडी को नहीं मारे और किलर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब अगले सुबह जब सिंडी उठती है तो बाहर वो गलती से एक मरे हुए जानवर के ऊपर चढ़ जाती है। ये काम किलर का था और वो किलर उसे दूर से देख रहा था। यहाँ पर हम किलर के ठिकाने को भी देखते हैं, जहाँ पर कई सारे लोगों के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स थे, यानी कि किलर बहुत समय से लोगों को मार रहा था। किलर को इस बात का दुख हो रहा था कि वो सिंडी को नहीं मार पाया, वो किलर रो रहा था। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि किलर को लड़कियों के ब्रेस्ट से चिढ़ होती है। सिंडी के साथ में वो किलर रह रहा था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। सिंडी जब अपने बेडरूम में सो रही थी तो किलर चुपके से उसके पास में आता है और उसके हिप्स पर चाकू फेरता है। सिंडी जब उठती है तो किलर बेड के नीचे छुप जाता है। अब सिंडी नींद में नीचे तक देखने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखता है। तभी सिंडी की नजर कैमरा पर जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर उसे जमीन पर एक डॉल दिखाई देती है जिसे वो अपनी जगह पर रख देती है। और सिंडी के पीछे किलर घूम रहा था, लेकिन उसे इस बारे में जरा भी नहीं पता था। अब फिर सिंडी अपने रूम में आकर सो जाती है। सिंडी अगले दिन उठती है तो देखती है कि वो डॉल सिंडी के बेड पर पड़ी हुई थी। सिंडी अब अपने घर के बाहर जकूजी बाथ लेने जाती है। वो अपने पूरे कपड़े उतार कर टब में उतरती है और वो किलर उसे दूर से देख रहा होता है। सिंडी टब में एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे निकट देख लेता है। ये पुलिस ऑफिसर वही था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में था, जो कि जिंदा बच गया था। वो सिंडी से फोन या फिर कार के बारे में पूछता है, लेकिन सिंडी के पास में न कार थी ना ही उसके फोन यहाँ पर काम कर रहे थे। फिर तभी अचानक वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम बर्नार्ड था। जब बर्नार्ड की नींद खुलती है तो देखता है कि सिंडी उसे अंदर लेकर आ गई थी और उसने उसका जख्मों पर मरहम पट्टी भी कर दी थी। बर्नार्ड सिंडी से पूछता है कि वो यहाँ पर अकेली क्या कर रही है, जिस पर सिंडी उसे कुछ जवाब नहीं देती है और वो उल्टा उससे पूछती है कि वो इस जंगल में क्या कर रहा है और वो जख्मी क्यों है। बर्नार्ड उसे किलर के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि अगर सिंडी को किलर के बारे में पता चल गया तो डर जाएगी। लेकिन वो उसे ये जरूर बताता है कि वो 3 दिनों से भूखा है और वो 3 दिनों से कंटिन्यू चले जा रहा है। सिंडी फिर उसे खाने को देती है और यहाँ पर वॉचर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी था। तभी वो कैमरा में बर्नार्ड को देखता है। वो अपने आदमियों को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है और वो उसे मारने का ऑर्डर देता है। इधर बर्नार्ड सिंडी को बताता है कि वो एक ऐसे आदमी के पीछे है जो कि लड़कियों को पकड़कर पॉर्न मूवीज बनाता है और मूवीज के दौरान ही वो उन्हें मार देता है। वो आदमी अलग अलग देश भागते रहता है और बर्नार्ड उसी आदमी के पीछे यहाँ पर आया हुआ है। वो आदमी लड़कियों का मर्डर लाइव दिखाता है और इसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। बर्नार्ड बाहर कैमरास को नोटिस करता है और वो सिंडी से इस बारे में पूछता है। सिंडी को कैमरा के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सिंडी अभी नोटिस करती है कि पूरे घर में ही कैमरा लगे हुए हैं। वे दोनों कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही वॉचर के आदमी उनके घर पर अटैक कर देते हैं। बर्नार्ड उन आदमियों से लड़ता है और इधर वॉचर किलर को सिंडी को मारने के ऑर्डर देता है। बर्नार्ड गुंडों के साथ में बाहर बिजी था और घर में किलर घुस जाता है। सिंडी बर्नार्ड के ग्रैंड को लेकर भागती है और किलर उसके पीछे भागता है। सिंडी जंगल से होते हुए नदी के किनारे आगे बढ़ती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। और जैसे ही किलर उसके पास में आता है तब वो उस ग्रेनेड को उसके ऊपर फेंक देती है। उस ग्रेनेड से बस किलर का थोड़ा सा मास्क टूटता है, लेकिन धमाके का असर सिंडी पर भी होता है। वो थोड़ा दूर जाकर गिर जाती है और वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। वो अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो किलर को ही पकड़ लेती है। फिर वो जैसे तैसे आगे बढ़ती है, लेकिन ठीक से दिखाई न देने के कारण वो एक पेड़ की टहनी से टकरा कर गिर जाती है। सीन कट होता है और इधर वॉचर देखता है कि बर्नार्ड उसके सारे लोगों को मार रहा है
और वो खुद कार को लेकर जंगल की ओर निकलता है। यहाँ पर किलर ने सिंडी को पकड़ लिया था। सिंडी बेहोश थी और वो सिंडी को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा था। अब वो उसे एक जगह पर लाकर अपने कंधों से उतारता है और उसे एक पेड़ पर बैठाकर उसे उल्टा करता है, जिसके बाद में वो सिंडी की फ्रॉक को ऊपर करता है और उसके अंडरगारमेंट्स को हटा देता है। अब ये सारा नज़ारा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे कई सारे लोग देख रहे थे। अब वो किलर एक पेड़ से नुकीली लकड़ी को तोड़ता है, फिर वो सिंडी के कपड़े उठाता है और अब वो उस नुकीली लकड़ी को सिंडी के पीछे घुसाने वाला था, लेकिन अचानक एक गोली आकर किलर के शोल्डर पर लगती है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। ये गोली बर्नार्ड ने चलाई थी, जिसकी आवाज से सिंडी उठती है और वो किलर से दूर भाग जाती है। अब भागते भागते सिंडी वॉचर की गाड़ी से टकरा जाती है और वो उसे मदद मांगती है, लेकिन सिंडी को नहीं पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठी है वही इस गेम का मास्टरमाइंड है। वॉचर सिंडी को अपने साथ में गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है, जहाँ पर लास्ट में सिंडी वॉचर के हाथों पकड़ी गई थी, और मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता कि सिंडी वॉचर या फिर किलर के हाथों बच पाएगी। तो खैर, अब चलते हैं इस मूवी के सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ से मूवी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जंगल के पास में किसी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा है। एक लड़की अपने फोन में लगी होती है और एक किलर उसके पीछे आता है। पूरे जंगल में कैमरा लगे हुए थे और वॉचर सब कुछ देख रहा था। वो लड़की कैमरा को नोटिस करती है और जब वो उसे छूने जाती है तो किलर उसे पकड़ लेता है। किलर लड़की के हाथ पर अपने हथियार से इतने वार करता है कि उसका हाथ ही कटकर अलग हो जाता है। ये पूरा सीन कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था और वॉचर यह सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहा था। किलर फिर एक रॉड उठाता है और उसे लड़की के चेहरे पर मार देता है, जिससे कि लड़की का चेहरा पूरा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर मूवी का एंट्रो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम किलर के ठिकाने को देखते हैं। अगेन, ये घर बहुत ही ज्यादा भयानक था, जहाँ पर किलर बॉडी के पार्ट्स को काट काट कर अपने घर को सजा रहा था। अब अगले सीन में हम एक लेडी स्टीना और उसकी बेटी को देखते हैं। स्टीना के पति ने उसके पूरे पैसे जुए में उड़ा दिए थे और वो जेल में था। स्टीना एक जॉब को इंटरव्यू देने के लिए एक बार में आई थी। वो यहाँ पर एक बार डांसर के लिए आई थी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। स्टीना अपने बच्चे को कार में छोड़कर इंटरव्यू देने जाती है और वो अपना फोन बच्चे को ही देकर उस बार के अंदर चली जाती है। ये बार एक बूढ़े आदमी का था। बार के बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो कि अजीब नजरों से उसे देख रहा था। स्टीना फिर अंदर जाती है और बार का ओनर उसे कहता है कि उसका काम यहाँ पर कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा और उसे अपने पूरे कपड़े उतारकर बार में काम करना होगा। तो इसलिए बार का बूढ़ा ओनर स्टीना को अपने कपड़े उतारकर उसकी बॉडी दिखाने को कहता है। स्टीना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी तो वो इसके लिए राजी हो जाती है। स्टीना अपना टॉप उतारी रही थी कि तभी बाहर से कार का हॉर्न सुनाई देता है। वो भागकर कार की तरफ जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाना आया होगा, लेकिन असल में उसके फोन पर किसी को कॉल आया था। वो कॉल को पिकअप करती है तो कॉल पर उसे एक लेडी ने एक रियलिटी शो ऑफर किया था। स्टीना इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और वो लेडी उसके अकाउंट में तुरंत $5,000 ट्रांसफर करती है। अब अगले सीन में हम मैग्नस को अपने बच्चे के साथ में देखते हैं। मैग्नस पहले आर्मी में था, लेकिन अब उसने आर्मी को छोड़ दिया था। मैग्नस की वाइफ ने उसे डिवोर्स ले लिया था और अब मैग्नस का बेटा अपनी माँ के साथ में रहता था, जो कि उसे लेने आ जाती है। मैग्नस उसे बताता है कि उसे एक नई जॉब मिली है, जिसमें उसे एक फेमस एक्टर का बॉडीगार्ड बनना है। फिर इसके बाद मैग्नस की वाइफ वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम सभी लोगों को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पर मैग्नस अपने बॉस के साथ में था। वहाँ पर और भी लोग थे और इन सभी को रियलिटी शो ऑफर किया गया था, जिनमें से स्टीना, रोड्रिगो और मैग्नस का बॉस था, और सभी को एक रियलिटी शो के लिए बुलाया गया था। दरअसल ये एक हॉरर रियलिटी शो था, जिसमें उन्हें एक किलर से बचना था और जीतने वाले को $1,000,000 और हॉलीवुड की एक मूवी में लीड रोल का कैरेक्टर मिलने वाला था। वो लेडी उस एक्टर को कहती है कि वो अपने बॉडीगार्ड मैग्नस को नहीं ले जा सकता है। एक्टर अपना फोन भी साथ में ले जाना चाहता था, लेकिन ये रूल के खिलाफ था और इसलिए वो लेडी उसे इस शो से बाहर निकाल देती है और इसके बदले में मैग्नस इस शो के लिए हाँ कर देता है। सभी लोग प्लेन में बैठकर अपनी लोकेशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मैग्नस को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो प्लेन में चढ़ जाता है। अब इधर किलर एक लड़के को जंगल में उठाकर कहीं पर ले जा रहा था और वो उसे मारकर उसके बॉडी पार्ट काट देता है। अब यहाँ पर उसी केबिन के सामने गाड़ी आकर रुकती है, जिससे हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा था। सभी लोग कार से बाहर आते हैं और वहाँ पर चारों ओर कैमरा लगे हुए थे और उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो दुनिया के किस कोने में हैं। वो लेडी सभी को घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि पूरे घर में कैमरा लगे हुए हैं, जो कि उन्हें 24/7 देख रहे हैं। वो ये भी बताती है कि एक किलर जंगल में घूम रहा है, जिससे उन्हें बचना है, और अगर किलर ने उन्हें पकड़ लिया तो वो इस शो से बाहर हो जाएंगे। आखिर में जो बचेगा वो इस गेम को जीत जाएगा और उसे एक हफ्ते के बाद में यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली आती है।
अब घर में सभी लोग हर चीज को देख रहे थे। मैग्नस को वहां पर एक फाइल मिलती है जिसे बाकी के लोग इग्नोर कर देते हैं। इधर ट्रूडी रोड्रिगो को किचन में लेकर जाती है और उसे अकेले में कहती है कि वो उसके साथ में मिलकर खेलें ताकि वो जीते जाएंगे। बदले में वो उसे जो चाहे वो दे सकती है। ट्रूडी उसे अपनी बॉडी दिखाने वाली थी कि तभी रोड्रिगो को उसके पीछे किलर दिखता है जिससे कि वो डरकर वहां से भाग जाता है। अब मैग्नस हर चीज पर नजर रखे हुए था और वो स्टीना को बताता है कि यहाँ पर उसे कुछ अजीब लग रहा है। तभी ट्रूडी स्टीना को अपने साथ में एक रूम लेकर जाती है। उस रूम में बहुत बदबू आ रही थी और बेड पर कोई चीज पड़ी हुई थी, उन्हें वो अजीब लगता है। जब वे दोनों उस कपड़े को हटाते हैं तो वहाँ पर एक सड़ी हुई बॉडी पड़ी हुई थी जिससे कि वे दोनों डर जाते हैं और वे दोनों रूम से बाहर लड़कों को बुलाने जाते हैं। जब वे बाहर थे तो इधर वो किलर उस डेड बॉडी के इनरवेयर को उसके ऊपर डालकर उस बॉडी को अपने साथ में वहां से ले जाता है। जब मैग्नस और रोड्रिगो उस रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता है और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये बस शो का एक पार्ट है। लड़कियां डरी हुई थी और मैग्नस को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था। वॉचर को अब मैग्नस पर शक होने लगा था और वो अपने आदमी को मैग्नस के बारे में जानकारी निकालने को कहता है। यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। तभी मैग्नस को दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखने के लिए बाहर जाने वाला था लेकिन बाकी के लोग उसे बाहर जाने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैग्नस बाहर देखने के लिए चला जाता है। जब मैग्नस जंगल में जाता है तो वहां पर वो देखता है कि एक लड़की पेड़ से बंधी हुई थी और उस लड़की का पूरा मुंह सड़ा हुआ था। तभी किलर मैग्नस के पास में आता है और वो उसे पीटने लग जाता है जिससे कि मैग्नस बेहोश हो जाता है। अब किलर उस लड़की के पास जाकर उसे टैप करता है जैसे कि उस लड़की को उसने बस एक ट्रैप के जैसे यूज किया हो। अब मैग्नस घर में वापस नहीं आया था तो सभी को उसकी चिंता हो रही थी। रोड्रिगो और ट्रूडी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं लेकिन स्टीना कुछ देर बाहर मैग्नस का वेट करने वाली थी। हम स्टीना के पीछे किलर को देखते हैं लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती है। अब जब रात होती है तो रोड्रिगो को भी वो किलर नहीं दिखता है। इधर रोड्रिगो रात को ट्रूडी के रूम में जाता है। ट्रूडी अपने इनरवेयर में सो रही थी और ट्रूडी से मेकआउट करने को पूछता है लेकिन ट्रूडी उसे कहती है कि वो बस ये शो के लिए कर रही थी। अब अचानक रोड्रिगो के पीछे किलर आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। जब अगले सुबह रोड्रिगो की आंखें खुलती है तो किलर के ठिकाने पर बंधा हुआ था और किलर उसके उठने का इंतजार कर रहा था। रोड्रिगो अपने आसपास का सामान देखकर डर गया था और जैसे किलर को पता चलता है कि वो उठ चुका है तो वो उसके पास जाकर उसे बेसबॉल से पीट पीट कर उसके पैर को तोड़ देता है, जिसके बाद में वो एक हथियार से उसके पैर को काट काट कर उसके पैर के दो टुकड़े कर देता है। रोड्रिगो का मुंह बंधा हुआ था तो वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था और वो बेहोश हो जाता है। इन सारी चीजों का वॉचर अपने कंप्यूटर में देख रहा था। तभी किलर अपने हथियार से रोड्रिगो की पीठ पर वार करता है और उसकी पीठ को फाड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे ही निकाल देता है। अब अगले दिन ट्रूडी बिना कपड़ों के डांस कर रही थी। तभी स्टीना आती है और मैग्नस के बारे में उससे पूछती है लेकिन उसे पता चलता है कि रोड्रिगो भी अब गायब है। इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मैग्नस और रोड्रिगो को किलर ने पकड़ लिया हो और वो इस शो से बाहर हो चुके हों। फिर ट्रूडी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और किलर भी उसके पीछे आता है। ट्रूडी कैमरा के सामने थोड़ा शो ऑफ करती है और वो अपना टॉप उतार देती है। इतने में पीछे से किलर बाथरूम में घुस जाता है लेकिन ट्रूडी को पता नहीं चलता है और ट्रूडी भी बाथरूम में चली जाती है, यानी कि अब ट्रूडी भी किलर के हाथों मारी गई थी। इधर हम देखते हैं कि वॉचर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कंप्यूटर पर सब कुछ देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगता है कि सारे मर्डर रियल है लेकिन वॉचर उसे कहता है कि यह सब एक गेम का हिस्सा है। अब यहाँ पर स्टीना अपने रूम में थी। तभी कोई उसके रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जिससे कि स्टीना डर जाती है और थोड़ी देर के बाद में वो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। वॉचर यहाँ पर गेम को देखने में बिजी था और उसकी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आता है तो इसलिए वॉचर उसके साथ में जबरदस्ती करता है और उससे मारने की धमकी देता है। फिर वो एक इंजेक्शन को उसके गले में लगा देता है। यहाँ पर अगली सुबह जब स्टीना बाहर आती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है तो इसलिए वो जंगल में सभी को ढूंढने चली आती है। जंगल में स्टीना को किलर दिखाई देता है तो स्टीना को ऐसा लगता है कि वो बस शो का एक एक्टर है। वो उसके नज़दीक जाना चाहती थी लेकिन किलर उसे पकड़ने लगता है। स्टीना को कैमरा दिखता है और उसे अभी भी ऐसा लगता है कि वो बस एक एक्टर है। फिर किलर उसके हाथ को अपने धारदार हथियार से काटने वाला था लेकिन स्टीना अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। स्टीना कैबिन में वापस आकर कैमरा में सभी को गालियां देने लगती है। तभी उसे एक फोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जंगल में जाकर देखता है तो एक बॉडी पैर पर लटकी हुई थी और उसकी जेब में फोन बज रहा था। पीछे से किलर भी आता है लेकिन स्टीना को इस बारे में नहीं पता था। स्टीना के फोन पर वॉचर था और स्टीना को कहता है कि वो इस शो को जीत चुकी है। स्टीना ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो उसे वापस घर में जाने को कहता है और उसे कहता है कि आज रात तो पार्टी करें और इस दिन को एंजॉय करें। स्टीना इस बात से बहुत खुश थी और घर वापस आकर एंजॉय करती है
वो अपनी जीत की खुशी मनाती है और ड्रिंक करके सो जाती है। रात को जब स्टीना सो रही थी तो पीछे से क्लियर आता है। वो उसके रूम में घुसकर उसके ब्रेस्ट को अपने हथियार से टच करने की कोशिश करता है। जैसा कि मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किलर को लड़कियों के ब्रेस्ट देखकर चिढ़ होती है। अब स्टीना की नींद खुल जाती है और वो किलर को देखकर चिल्लाती है और इतने में किलर उसे एक स्लैप मारकर बेहोश कर देता है। जब स्टीना को होश आता है तो किलर के ठिकाने पर बंधी हुई थी और उसके ऊपर मरे हुए लोगों की अंतड़ियां पड़ी हुई थी। तभी किलर आता है और उसका जूता उतारकर स्टीना के पैर का एक अंगूठा अपने एक धारदार हथियार से काट देता है, जिससे कि स्टीना को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन स्टीना कुछ नहीं कर सकती थी। किलर बड़ी बेरहमी से उसके पैर का अंगूठा काटता है और उसके अंगूठे को एक डेड बॉडी की आंखों में डाल देता है। फिर किलर स्टीना के पैर में जूते को वापस पहना देता है। किलर अब स्टीना को जान से मारने वाला था। तभी उसे गन फायर की आवाज आती है और किलर उस गन फायर के पीछे चला जाता है। स्टीना अपने आप को जैसे तैसे रस्सियों से आजाद करती है। स्टीना को खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो किलर से भागने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर किलर वॉचर के एक आदमी को जाकर पीछे से मार डालता है। स्टीना अभी भी जंगल में भाग रही थी कि तभी उसका सामने किलर आ जाता है और उसे अपने साथ में पकड़ कर ले जाता है। वॉचर को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब किलर एक पेड़ के सहारे स्टीना को खड़ा करता है। अब वो उसे एक हैमर से मारने वाला था कि तभी मैग्नस आकर स्टीना को बचा लेता है। स्टीना एक पत्थर किलर को मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और मार्कस स्टीना को लेकर भाग जाता है। अब वॉचर अपने आदमी को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि ये लोग नहीं बचना चाहिए और खुद भी जंगल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर मैग्नस स्टीना को छोड़कर वॉचर के आदमी को मारने के लिए निकलता है कि तभी किलर खुद वहाँ पर आकर वॉचर के एक आदमी को मार देता है और बाकी के आदमी मैग्नस को मारने में लग जाते हैं। स्टीना भी एक गन को उठाकर मैग्नस की मदद करती है और मैग्नस स्टीना के साथ मिलकर कई लोगों को मार डालता है। तभी वॉचर खुद स्टीना के सामने आकर मैग्नस के ऊपर अपनी गन को तान देता है। वॉचर अब ये चाहता था कि मैग्नस किलर से लड़ाई करे, नहीं तो वॉचर स्टीना को किलर को सौंप देगा और किलर उसके साथ में क्या करेगा, ये बात स्टीना को अच्छे से बताती। स्टीना भी मैग्नस को किलर से लड़ने को कहती है और अब मैग्नस और किलर की लड़ाई होने वाली थी। दोनों आपस में लड़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहे थे। वॉचर बस उन लोगों को लड़ता हुआ देखता है और इसी के साथ में इस मूवी का सेकेंड पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वेल दोस्तों, वैसे तो ये मूवी एक किलर पर बेस्ड है जो कि लोगों को वॉचर के कहने पर मारता है, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे भी सवाल अभी बचे हैं, जैसे कि वो किलर कौन था और वॉचर ऐसा क्यों कर रहा है और आखिरकार वो इस गेम को क्यों खेलता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखना होगा और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।